Very good morning, class 11. How are you all? I hope you all are fine. Children, once again, I have started the revision of this book, Hornbill. I have done 2 chapters, and today I am going to explain this poem, A Photograph. Page number, you can have a look. What's the page? No, page number is here. Yeah, 10, 11 page. It's not over here. It's 11 number page. A Photograph by Shirley Towson. How do we pronounce? Shirley Towson. It is written, there are 3 paragraphs. The first paragraph is mentioned. The poet says, "The cardboard shows me how it was when the 2 girls, cousins, went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet." ठीक है, temporary feet. Transient means temporary. ये जो cardboard है, सामने जो टंगा cardboard, चलो अच्छी बात है, मेरे पास तो यही पड़ा है cardboard. में आपको cardboard भी दिखा दूँ, ये है cardboard. पहले ज़माने में इस कार्डबोर्ड के ऊपर पिक्चर लगती थी, फिर कांच लगता था, फिर फ्रेम ऐसे लगता था, और पोर्ट्रेट बनाई जाती थी, और दीवार पर ऐसे लगाई जाती थी. इसी कार्डबोर्ड पर फोटोग्राफ एक दिख रही है, वो सामने लगी है कमरे के, ड्राइंग रूम के. उसका फ्रेम कार्डबोर्ड का है, और ये फोटो दिखा रही है कि कैसे ये 2 लड़कियां इस फोटो में बता रही है. ये 2 बहनें, जो चचेरी बहनें हैं इस लड़की की, किस तरह से समुंदर के किनारे हॉलीडे मनाने गई हैं. ये 3 बहनें, ये नरेटर की माताजी और उसकी 2 कज़न बहनें हॉलीडे मनाने के लिए, सी हॉलीडे मनाने के लिए गई हैं. और ये सीन है, एक फ़ोटो जो खींची है, ईज वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, और तीनों लड़कियों ने एक दूसरी का हाथ पकड़ रखा. फ़ोटो में क्या है, एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा है तीनों ने. एंड शी द बिग गर्ल, अब यहाँ शी कौन है, एंड शी द बिग गर्ल, और शी यहाँ मदर को बोला है, नरेटर की माताजी को शी कहा गया, कवि की माताजी को शी कहा गया, जो कार्डबोर्ड में फोटोग्राफ सामने
देख रहा है। उसकी मम्मी जो हैं वो बड़ी वाली गर्ल हैं, मतलब जो लंबी लड़की खड़ी है बीच में, हाथ पकड़े खड़े हैं बाएं बाएं दोनों। कोई बीच वाली लड़की की उम्र होगी कोई 12 साल के करीबन, 12 सम 12 ईयर्स और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द एयर, और तीनों ठहके लगा लगा हंस रही, इतनी खुश है, हवा तेज बह रही है और बाल उन तीनों के चेहरों पे ऐसे उड़ रहे हैं, उनकी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ऐसा तो प्लेजेंट मौसम है, हवा उनके बालों को लहरा रही है, चेहरे भी नज़र नहीं आ रहे। और उसी समय एट दी अंकल विद दी कैमरा, उसी समय अंकल का हाथ कैमरे का बटन क्लिक कर देता है और ये फोटो ग्राफ कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके अंदर ये तीन लड़कियां खड़ी हैं और वो कहता है अ स्वीट फेस, बड़ा प्रिटी फेस है, बड़ा प्यारा फेस है, माय मदर, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब की बात है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी माँ बहुत प्यारी थी, और ये तब का वाक्या है, तब का इंसिडेंट है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और समुद्र को देखो, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, ये समुद्र देख लो, ये वैसे का वैसे ही है, ये तब से अब तक वैसे ही इनके टेम्परेरी फीटों को धोए जा रहा है, इन बच्चों के, इन लड़कियों के फीट जैसे धो रहा है, आता है वेव चले जाता है, आती है वेव चले जाती है, सालों से समुद्र के किनारे ऐसे के ऐसे ये इनमें तब्दीली कम आई है, हैव चेंज लेस, लेकिन इन सालों में वो कहता है माँ पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गई, मैं कहाँ से कहाँ हो गया, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जबकि ये फ़ोटो दर्शाई जा रही 12 साल की लड़की जो खड़ी है उसकी माता जी है और साथ में दो लड़कियाँ उसकी कजन्स हैं। मंद मंद हवा बह रही है और वो पानी में पैडल कर रही हैं, वेड कर रही हैं, चल रही हैं और लहर पानी की तरफ आ रही है, और अंकल ने जैसे ही उनके बाल चेहरों के ऊपर होते हैं उसी समय क्लिक कर दिया और एक बहुत प्यारा फोटो आया, और ये इतना प्यारा फोटो आज सामने दीवार पर लगा, उसको देख रहा है, निहार रहा है, कभी बैठा सोच रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम 20-30 ईयर्स लेटर, को 20 साल 30 साल या उससे ज़्यादा साल, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। माँ मेरी को 20-30 साल बाद जब वो फोटो देखती थी तो उसको हंसी आ जाती, अपनी फोटो को देखकर उसकी हंसी नहीं रुकती। सी बेटी कहती, देखो बेटी को देखो कैसी लग रही है बेटी, एंड डॉली, और उसको डॉली को देखो, फ्राक देखो उसका, शी सेड एंड हाउ लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो हंसा करती और देख कर कहती देखो किस तरह के कपड़े पहने, उस समय हम कैसे कपड़े पहना करते थे, आज हमें कोई कहे तो ऐसे ऊंचे ऊंचे कसे कसे कपड़े हम कभी भी ना पहने, और देखो कपड़े कैसे हवा में उड़ रहे थे, ठीक है, तेज़ हवा में वो कपड़े उड़ रहे थे। और बेटी और डॉली को वहाँ पॉइंट आउट करती और कहती देखो हमें कैसे बीच को हॉलीडे जब हम गए तो हम कैसे तैयार थे, उनको अपने तैयार होने पर ही हंसी आ जाती, अपने कपड़े जिस तरह की प्रकार के उन्होंने पहने थे उसको देखकर हंसी
आ जाती। बोथ द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन हिज हर लाफ्टर। ये जो हॉलीडे था सी, अरे आज का थोड़ा है, अभी इसको तो 20 साल पुराना हो गया, पास्ट हो गया ये उसका, और अब तो बस सिर्फ बोथ राइव विद लेबर्ड ईस ऑफ लॉस। अब इस समय तो कुछ है नहीं, ठीक है, इस समय तो कुछ भी नहीं रहा। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी, उसको मरे हुए भी अब तो बड़ा अरसा हो गया, माता को मरे हुए भी अब शायद जितने साल मैं 20-30 कह रहा हूँ, इतने ही साल और भी हो गए होंगे जब से वो लड़की रहती होगी। एज दैट गर्ल लिव एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस, और इस वाक्यात के लिए देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। सिर्फ एक फोटो है सामने माता की, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये उस टाइम की फोटो है जब ये लड़की रहा करती थी, आज तो उस लड़की को मरे हुए भी शायद कईयों साल हो गए, 20-30 साल हो गए, और ये तब का वाक्य है। अब तो इसके लिए कुछ कहने के लिए बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि अब वो रही नहीं, चारों ओर साइलेंस ही साइलेंस प्रिवेल करता है। कमरे में फोटो के पास चारों ओर साइलेंस ही साइलेंस प्रिवेल करता है, और एक शून्यपन, एक वैकेंट प्लेस क्रिएट करके दिखाते कि इस घर में माँ हुआ करती थी कभी, और आज सिर्फ माँ की एक फोटोग्राफ ही रह गई है जो उसकी याद दिलाती है। और जब कभी याद आती है शर्ले टाउलसन अपनी माँ को, उसके पहनावे को, उसके बचपन को, ठीक है, उसके हंसते हुए अंदाज को, ये सारी चीज़ें 20-30 साल 40 साल 50 साल पुरानी चीज़ें हैं, उनको देखकर मन को शांत कर लेता है पोएट। लेकिन अब है कुछ नहीं, वो कहता तस्वीर के आसपास, क्योंकि ना तो अब माँ रह गई, माँ भी नहीं है, और ना ही सन्नाटा ही सन्नाटा छाया है, इट्स साइलेंस साइलेंस। बेटा दिस इज द पोएम, ये पोएम थी, एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा से, ये सब थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन थे मैंने लिखा रखे हैं आप देख लीजिए, राइट। अब दूसरी पोएम पे अब नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, बहुत है टाइम हमारे पास, बहुत है, सिर्फ अगर आप ध्यान दें, तुम्हारे सर नहीं कभी हार मानते, वो एक नहीं दो दो नहीं तीन बार पढ़ा देंगे, बट आप लोग अच्छे से पढ़ो, राइट। इसको अब रीड करना, मैं जिसके पास बुक नहीं है क्लिक भेज देता हूँ, और क्लिक के साथ ध्यान से पढ़ो समझो, दो बार इसको सुन लिया करो, छोटी होती हैं, और ठीक है, और कल के लिए काम नहीं छोड़ो कि जरा सा देखा गया फोटोग्राफ पढ़ाया सर ने, बाद में देख लेंगे, बाद का जो बात है ना वो बाद ही रह जाती है, ठीक है, और बथेरे काम आ जाते हैं। तो बेटा टाइम को मैनेज करना सीखो, जिस काम के लिए जो टाइम बनाए भगवान ने बनाया है उसको वहाँ डिवोट करो। और तुम लोग स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ही ये डिसिप्लिन को अच्छे से अपनाते हैं, सीखते हैं, आज सीख लोगे तो सारी ज़िंदगी काम आएगा, जहाँ जाओगे सब कहेंगे क्या क्या अनुशासन है बच्चों का, राइट, ये तुम्हारे भले की बात है, ओके। सो वंस अगेन आई विल टेल यू टू रीड दिस पोएम एज वेल एज लिसन टू इट।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।